जसप्रीत है, हैदराबाद में खड़ी हैं। जसप्रीत ये कहाँ खड़ी हैं आप, बस दिख रही है आपके पीछे? बिल्कुल किशोर, देखिए मैं ताज कृष्णा होटल में मौजूद हूँ। कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है, ये माना जा रहा है। चंदन आप बसेस दिखाइए, ये तीन बस है यहाँ पर। डीके शिवकुमार जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कांग्रेस एमएलए को एकजुट रखने के लिए, वो इसी होटल में मौजूद है। इस बस की बात मैं आपको बताऊं तो एक बस की जो कैपेसिटी है वो 36 सीटों की है। 119 विधानसभा सीटें यानी कि विधायकों की संख्या के हिसाब से ये बसेस बुक की गई है। जब ड्राइवर से हमने बात की तो उसने नहीं बताया। चंदन आप बस दिखाइए, तीन बसें हैं और यहाँ पर ये माना ये जा रहा है कि कांग्रेस जो है अपने विधायकों को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो विधायकों को कर्नाटक शिफ्ट किया जाएगा। ये ताज कृष्णा होटल है और इससे पहले जब कर्नाटक में संकट था तो किशोर कर्नाटक से विधायकों को इसी ताज कृष्णा होटल में रखा गया तो था। बसें, तीन बसें 72 पर आगे चल रही है तेलंगाना में कांग्रेस, बसें तैयार रखी हैं बेंगलोर ले जाने के लिए कि कहीं बीजेपी इन 72 में से कुछ ले ना जाए या बीआरएस न ले जाए वहां पर। ये कांग्रेस का अपने जीते हुए कैंडिडेट्स पर ये विश्वास है कि उसमें वो कहेंगे उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। नहीं तो उनका भी माल बिका हुआ है, दाम उसी का तो लगेगा जो मार्केट में जाएगा। जो मार्केट में नहीं जाएगा उसका दाम कैसे लगेगा? मार्केट में नहीं जा रहा, ये डकैतों से बचाने का प्रयास है। जहां डकैती खुलेआम चल रही हो, डकैत खुलेआम घुल रहे हो तो अपने माल को तो बचाने का प्रयास करेगा ना। माने इतनी बड़ी मेजोरिटी आने के बाद भी 72 और 36, उसके बाद भी आपको डर है कि आपके विधायक चले जाएंगे? देखिए चले नहीं जाएंगे, लेकिन डकैतों का क्या इलाज है? जिस घर में खुलेआम, जिस देश में प्रदेश में खुलेआम डकैती, माल जो है वो घटिया किस्म का है इसलिए हर बार इधर से उधर भाग जाते हैं। तो ये जो भाई आश्चर्य हो रहा है, जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करते थे आज माल की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास। घटिया नहीं है, माल बिकाऊ है। घटिया नहीं है, माल बिकाऊ है इसलिए उसके खरीदार हैं। एक कल की खबर है कि बेंगलोर में ईगल जो रिसोर्ट है जी डीके शिवकुमार का रिसोर्ट है वो बुक है और इसी वजह से ये बसें खड़ी हैं। दोनों तरफ से रिसोर्ट बुक हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बड़े खतरनाक चीजें हैं। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। सभी पार्टियों को अपने अपने विधायकों के ऊपर भरोसा होना चाहिए। दो चीज, नरेंद्र सिंह तोमर पीछे चल रहे और गोविंद सिंह डोटासरा आगे हो चुके हैं। देखिए इनकी नैतिकता देखिए, अपने विधायक को ये माल कह रहे हैं और इनको अपने माल पे भरोसा नहीं है। इनको अपने माल पे भरोसा, इनका माल इतना कच्चा है कि कभी इधर और कभी उधर। पार्टी भी तो रिजॉर्ट बुक कर रही है ना, इसका समर्थन कैसे किया जा सकता है? बीजेपी भी कर रही है ना। राजनीतिक विश्लेषक है आप किसी पार्टी के? देखिए आश्चर्य की बात है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को किस तरीके से इंडोर्स करा जा रहा है और ये लोकतंत्र के लिए कितनी खतरनाक बात है उस पर कोई डिस्कशन नहीं करने को तैयार हो रहा है। वसुंधरा राजे जो निर्दलीय वसुंधरा के समर्थक लड़ रहे हैं उसको वसुंधरा राजे ने परसों ही शिफ्ट कर दिया है। तो ये कांग्रेस बीजेपी दोनों का कल्चर है। हाँ बिल्कुल, और ये कल्चर जो शुरू किया है वो किसने शुरू किया है? मैडम से पूछे ना। मैं क्यों पूछूं? ट्रेंड बनाने वाली बीजेपी, आप देख लीजिए कितनी सरकारों को इस तरीके से जो है मैनेज किया गया, मैनिपुलेट किया गया। आप इस चीज को देख लीजिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ था पिछले इलेक्शन। अच्छा राजस्थान अध्यक्ष सीपी जोशी उसको सुन लेते हैं, वो क्या बोल रहे हैं। उसका परिणाम है कि जनता ने आज इनकी विदाई तय कर दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। इस बार कितने पास? देखिए मैं शुरुआत से कह रहा हूँ 135 प्लस और ऊपर कितने जाएंगे ये अब शाम को पता लगेगा। राजस्थान में बीजेपी इस वक्त 106 पर आगे, छत्तीसगढ़ में 47 पर आगे। सबसे चौंकाने वाले नतीजे अगर कहे जाएं तो छत्तीसगढ़ के दिख रहे हैं। कोई विश्लेषक, कोई पोल, कोई एक्सपर्ट ये नहीं कह रहा था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे हो सकती है। सर हम सुबह से कह रहे थे। और एक दूसरी बात बताता हूँ, छत्तीसगढ़ के लोग बड़े शांति प्रिय हैं, मृदुल भाषी हैं और भूपेश बघेल उनके लिए बहुत लाउड थे। उन्हें रमन सिंह ही चाहिए वापस। जी शालिनी, जी शालिनी के पास चलते हैं। किशोर, गौरव वल्लभ को हम सभी जानते हैं, बड़े प्रमुख चेहरे हैं टीवी के ऊपर और वो अभी फिलहाल पीछे होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। गौरव वल्लभ काफी 700 से ज्यादा वोटों से मुझे पीछे दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के प्रमुख चेहरे। इसके अलावा तेलंगाना में बड़े चेहरों में उलटफेर हुआ है। मोहम्मद अजहरुद्दीन सुबह से आगे चल रहे थे, अब पीछे हो गए। टी राजा जो कि गोशा महल से सुबह से पीछे चल रहे थे, अब आगे हो गए, 1700 वोट से आगे सीटों से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 28 सीट ऐसी है जिनमें 500 से भी कम वोटों का अंतर है। शालिनी वो भी बता दीजिए, बीजेपी और कांग्रेस के अंदर 500 से भी कम 28 सीट ऐसी हैं जिनमें कम से वोट। वो सारी की सारी ऐसे पलट जाएंगी कांग्रेस के पक्ष में, ये भी तो नहीं, वो किधर भी जा सकती है ना, कहीं भी जा। मैं चाहती है कि बहुत
जो है टक्कर का, वोटर्स जो एकदम अपना माइंड मेकअप इस तरीके से नहीं कर पाए थे कि वो। अच्छा मैं रोक रहा हूँ, प्रहलाद सिंह पटेल जी को सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी इस वक्त 149 पर, और इसके पीछे कारण है कि हमारे जो चार स्तंभ, गरीब कल्याण का संकल्प, महिला सशक्तिकरण का संकल्प, हमारे बच्चों की जिंदगी हमसे बेहतर हो और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान को सम्मान भी मिले और उसके मेहनत की जो उपज उसकी सही कीमत मिले, ये चार चीजें हैं। और जो कार्य प्रणाली का अंतर है मोदी सरकार का, जो हम कहते हैं वो करते हैं, ये हो सकता है। नहीं, चूक नहीं, मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही थी कि हम पिछली बार से बेहतर परफॉर्म